अब ये जो कैब है वो मैंने प्रिपेयर कर दी है। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें गोल्डन कलर से दो स्लिप स्टिच लेयर्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम एक तो ये जो स्ट्रॉबेरी स्टिच है जैसे कि हमने ड्रेस में बनाया था, ये ड्रेस में हमने हर एक ये जो स्ट्रॉबेरीज है उसके नीचे और उसके ऊपर दोनों तरफ हमने ये गोल्डन कलर से स्लिप स्टिच वर्क किया था। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी ये जो स्ट्रॉबेरीज है उसके ऊपर यानी कि ये वाले लेयर पे और उसके नीचे यानी कि यहाँ पे दोनों जगह पे हम स्लिप स्टिच ऐड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसको पहले हम सिक्योर करेंगे। अब नीचे नीचे की साइड से हम धागा ऊपर लाएंगे और हम स्लिप स्टिच वर्क करना स्टार्ट करेंगे। ये अंदर की साइड है। तो ऐसे ही हम ये पूरा स्लिप स्टिच वर्क करेंगे।
So in this way we have just completed now just cut this इसको हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अब नेक्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको ऐसे अंदर सिक्योर करेंगे तो ये जो है ये पीछे की साइड है और ये आगे की साइड है कैप की अब जो नेक्स्ट गोल्डन कलर का लेयर है वो नीचे की साइड से करना है ये जो क्रोशे पाइनएप्पल स्टिच हमने वर्क की थी स्ट्रॉबेरी की रेड कलर से तो उसकी नीचे की साइड से हमें करना है इसको पहले हम सिक्योर करेंगे ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये जो ऊन होता है वो बहुत ही पतला होता है और इससे थोड़ा ज़्यादा थिक ये जरी थ्रेड होती है तो ये जो स्ट्रॉबेरी की एकदम नीचे की साइड पे जितनी स्टिच है वहाँ से हम ये वाली स्लिप स्टिच वर्क करेंगे ये अंदर की साइड है तो ऐसे ही हमें ये कंप्लीट करना है तो लेट्स सी एट द एंड हाउ इट लुक्स
तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब जो लास्ट स्लिप स्टिच है वो ये जो कैप है उसके एंड की स्टिच में है, जो लास्ट एंडिंग में हमने स्टिच की थी डबल क्रोशे। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे।